अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री संगठन त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि 2020 में होने वाले शिक्षक निर्वाचन के लिए संगठन ने देशबंधु शुक्ल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसको लेकर 23 से 25 जून तक नाहरपुर स्थित एक स्कूल में चिंतन शिविर और गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री संगठन त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने कहा, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव, जो वर्तमान सत्र में केवल दो क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी पांच क्षेत्रों में है। पांच क्षेत्र में मेरठ क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, बनारस क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शिक्षक स्नातक दोनों चुनाव हैं और गोरखपुर क्षेत्र से केवल शिक्षक का, इलाहाबाद झांसी से केवल स्नातक का। इस तरह से 12 MLCs के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये वार्ता की जा रही है। वित्तविहीन शिक्षकों का जो मुद्दा है 4 लाख शिक्षकों का, उसको लेकर के ही हम लोग चुनाव में हैं। उसको लेकर के ही शिक्षक कैसे जागरूक हों, तो एक गोष्ठी आयोजित है 23, 24, 25 जून को, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आएँ और उन शिक्षकों की समस्या के लिए इन शिक्षकों को जागरूक करें, जिससे ये उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हो सके। सरस्वती इंटर कॉलेज ये नाहरपुर मेट्रोपॉलिटन स्कूल।